हेलो गाइस, मैं हूं मदन माथो और आप देख रहे हैं डीजे मदन फोटोग्राफी। आज आप लोग देखेंगे कि इस फोटो को मैंने किस प्रकार से क्लिक किया और इसे एडिट करके इस प्रकार का बेहतर लुक किस तरह से दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरह का और भी वीडियो देखने को मिल जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक टॉय लिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो आपको भी एक टॉय ले लेना है। आप इस छोटे से बाइक की जगह कार भी ले सकते हैं। तो आप इसी प्रकार आप कुछ इस प्रकार का बैकग्राउंड चुन लें एंड इसे अच्छे प्रकार से फोकस करें। तो मैंने कुछ इस प्रकार से फोकस कर दिया है इसे। अब करते हैं क्लिक कुछ इस प्रकार से। ये हो चुका है क्लिक एंड और कुछ डिफरेंट एंगल से ट्राई करते हैं। तो ये मैंने फोकस किया, तो अब देखते हैं और कुछ शॉट्स लेके। ये कुछ इस प्रकार से फोकस हो रहा है, तो इसे क्लिक किया। इस वीडियो में बस इतने ही क्लिक करते हैं और अब चलते हैं इसके एडिटिंग के लिए। तो अब इसे करते हैं LR में शेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फ़ोटो LR में सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब इसे करते हैं एडिट। तो एडिट के लिए आपको इफ़ेक्ट में जाना है एंड टेक्सचर को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, लगभग 10 के आसपास रखना है आपको। एंड क्लैरिटी को भी आपको 10 के आसपास रख देना है। तो ये हो चुका है 10 के आसपास। एंड DH को रखना है आपको लगभग 40 के आसपास, तो मैंने 40 कर दिया है। एंड विगनेट को आपको रखना है -30 एंड मिड पॉइंट आपको बढ़ाना है 100 तक कर देना है। एंड राउंडनेस आपको पूरा कम कर देना है। अब आते हैं कलर में। तो कलर में आके आपको मिक्स में जाना है एंड मिक्स में जाने के बाद आपको येलो कलर में आपको येलो कलर को पूरा कम कर देना है एंड इसका ह्यू को बढ़ाना है आपको लगभग 10 के आसपास। एंड ग्रीन कलर में आते हैं। ग्रीन कलर में आपको सैचुरेशन को आपको बढ़ाना है, पूरा फुल कर देना है। एंड लुमिनस को भी आपको बढ़ाना है लगभग 60 के आसपास, बढ़ा सकते हैं। एंड इसका ह्यू को भी बढ़ाना है आपको 10 के आसपास। तो ये मैंने 10 कर दिया, आप देख सकते हैं ये हो चुका है 10। एंड स्काई ब्लू कलर को आपको करना है पूरा कम एंड लुमिनस को बढ़ाना है आपको पूरा फुल करना है। एंड ब्लू कलर को आपको थोड़ा बढ़ाना है लगभग 50 के आसपास। एंड लुमिनस को भी आपको बढ़ाना है लगभग 50 के आसपास। एंड इसका ह्यू को थोड़ा सा कम करना है, -30 के आसपास आप कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया है। तो अब इसमें अधिक छेड़छाड़ ना करते हुए ग्लेडिंग के ऑप्शन में जाते हैं एंड शेडो एरिया में कुछ टोन लगाने की कोशिश करते हैं शेडो एरिया में। तो इस प्रकार का टोन लगाते हुए शेडो एरिया में ये कुछ इस प्रकार से ये हो चुका है। एंड मिड को आपको रखना है जैसा के वैसा। एंड शेडो एरिया का लुमिनस थोड़ा सा कम कर देते हैं -20 के आसपास। एंड ब्लेडिंग को भी कम कर देते हैं। अब आते हैं हाइलाइट्स में। तो हाइलाइट्स में आपको कुछ इस प्रकार का टोन डालना है जो कि मैं डाल रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार का। एंड इसका लुमिनस कम करना है -30 के आसपास और इसे डन करते हैं। अब आपको टिंट का ऑप्शन जो है इसे थोड़ा सा बढ़ाना है, लगभग 5 रखना है आपको। तो ये 7 हो चुका है, तो मैं इसे 5 कर देता हूँ, 5 हो गया। एंड सैचुरेशन जो है इसको -20 रखना है -20। एंड
वाइब्रेंस को आपको रखना है 60 के आसपास, तो ये मैंने 60 रख दिया है। अब आते हैं लाइट्स में, तो लाइट्स में आपको ब्लैक्स कम करना है थोड़ा सा, आप अधिक भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कम ना करके अधिक कर देता हूँ। तो मैंने 20 रख दिया है। एंड वाइट्स को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, लगभग 20 के आसपास। एंड शेडो ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है, इसे 0 पर रहना देना है। एंड हाइलाइट्स को आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, लगभग 10 के आसपास। एंड एक्सपोजर को आपको बढ़ाना है लगभग 10 के आसपास आपको बढ़ाना है। एंड कर्व में चलते हैं एंड इस फोटो में कुछ फेडेड इफेक्ट डालने का कोशिश करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने डाल दिया है जिस प्रकार से फेडेड इफेक्ट। डन। एंड आपको डिटेल का ऑप्शन में आना है एंड शार्पिंग को बढ़ाना है, कुछ 60-50 के बीच रखना है आपको। एंड रेडियस पूरा कम एंड डिटेल को आपको रखना है 20 के आसपास। एंड मास्किंग को आप पूरा फुल कर दें, इससे आपके ऑब्जेक्ट में पूरा टेक्सचर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हो चुका है आज का फोटो कुछ इस प्रकार से एडिटिंग। तो ये आप देख सकते हैं बिफोर एंड ये है आफ्टर। अगर आपको यह एडिटिंग पसंद आया तो नीचे कमेंट में बताएं कि यह एडिटिंग कैसा है, एंड वीडियो को लाइक भी कर दें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप इस फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी भी दिया हुआ है, उस इंस्टाग्राम का आईडी को भी आप फॉलो कर दें, वहाँ मैं इस फ़ोटो को अपलोड कर दूँगा, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।